हेलो गाइस, आज हम सोल्व करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी पार्ट वन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी साइन के टर्म पूछता है तो कभी कॉस के टर्म पूछ जाता है, और आपको इसको ध्यान रखना है कि मतलब कोई भी आए तो आपको सोल्व करके आना है। और इसमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ साइंस ऑफ एंगल विच आर इन एपी, और ये वीवीआई है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, दे रखा है फाइंड द सम ऑफ साइंस ऑफ एंगल विच आर इन एपी। ठीक है, तो एक सीरीज मान लेते हैं, लेट द सीरीज मान लेते हैं एस बराबर साइन अल्फा। हमको साइन यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको साइन में प्रूव करना है, तो साइन अल्फा और साइन लिख दिए, फिर अल्फा में एक ऐड कर दिए बीटा, और यहाँ पर एक और बीटा ऐड कर दिए, टू बीटा, और कहाँ तक अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको फॉर्म पता चल गया होगा, सिर्फ अल्फा यहाँ हुआ, इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। इसकी कब क्यों लिखे हैं, हम लोग जानते हैं एन बाबा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसके फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर लिखे हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, इतना जो लिखे हैं ये आपका किसके फॉर्म है, ए पी के फॉर्म है, तो यहाँ आप लिख दिए। और इसमें आपको पता करना है जो अल्फ़ा है आपका फर्स्ट टर्म है, और जो ये है ना आपका सेकेंड टर्म, कैसे निकालते हैं हम लोग, टी टू माइनस मतलब सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड में से टी टू माइनस टी वन करते हैं, मतलब ये वाला से सेकेंड में से फर्स्ट टू घटाते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, बीटा। बीटा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस आपने इसको बार बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई बोथ साइड टू साइन बीटा बाई टू ऑन बोथ साइड वी गेट, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, इसमें जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, इसमें भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें बारी बारी से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एस में, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा टू साइन बिट्टा बाई टू और एस रहेगा, और फर्स्ट साइन अल्फा में भी इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड टर्म में भी टू साइन बिट्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म में भी इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका लास्ट में भी है इससे भी इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से हमको एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे सभी को सोल्व करने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए इसकी, इसके फॉर्म है टू साइन बिट्टा बाई टू और साइन अल्फा, कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो एक हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यूजिंग फार्मूला टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, हमको इस फॉर्म में दे रखा है, सिर्फ इस फॉर्म में हमको बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है, तो आपका ए का काम क्या करेगा, जब इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए का काम अल्फ़ा करेगा और बी का काम बीटा बाई टू करेगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए का काम अल्फ़ा प्लस बीटा करेगा, यहाँ पर बी बाई बीटा बाई टू करेगा। यहाँ पर भी ए का काम ये है, बी का काम ये है, ए का काम ये है, बी का काम ये है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसके, इसको सबसे पहले तोड़ना है। तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कॉस लिखेंगे यहाँ पर, और अल्फ़ा का काम, ए का काम कर रहा है अल्फ़ा और बी ए काम कर रहा है ये, और बीच में माइनस है तो माइनस कॉस, और ए का काम कर रहा है अल्फ़ा और बी बाई टू, बीटा बाई टू काम किसका कर रहा है, बी का, तो बी बाई टू लिख दिए। और इसी प्रकार सभी को, जितना कंडीशन है सभी को सोल्व करना है, सेकेंड टर्म को भी इसी फॉर्म में लिखना है, थर्ड वाले को इसी टर्म में, और जो लास्ट जहाँ तक ले है इसी, इसको भी इसी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर से आप सोल्व कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर, ये तो आप सोल्व है ही, सेपरेट करना है। अब देखिए यहाँ पर बिट्टा यहाँ पर भी है, बिट्टा यहाँ पर भी, तो इसका एलसीएम लेके जो भी वैल्यू आएगा लिखना है, यहाँ पर भी इसको एलसीएम लिखना है सिर्फ बिट्टा वाले को, और यहाँ पर भी बिट्टा वाले को माइनस करके जो सेपरेट होगा इसको भी सेपरेट करके आपको कुछ लिखना है यहाँ पर। तो जब सेपरेट कीजिएगा तो कुछ कंडीशन यहाँ आपको इस प्रकार मिलेगा, यहाँ पर बीटा बाई टू हो जाएगा, या फिर थ्री बीटा बाई टू, और थ्री बीटा बाई टू, यहाँ पर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ कटने वाला है, देखिए जैसा कि देख सकते हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम सेम टू सेम है, यहाँ पर कैंसिल, और ये बीटा ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए फाइव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे भी टर्म एक आएगा, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ आपका लास्ट वाला टर्म बचेगा यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा, बीटा बाई टू, ये बचेगा, और आपका फर्स्ट वाला बचेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी,
इसके फॉर्म दे रखा है, ये कॉस सी हो गया, ये कॉस डी हो गया, मतलब सी का काम कर रहा है, ये आपका डी का काम कर रहा है। इसके फॉर्म तोड़ देंगे, टू साइन और सी का वैल्यू ये रख देंगे और डी का वैल्यू ये पूरा रख देंगे और बाई टू कर देंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर साइन लिखेंगे और डी का वैल्यू ये रखेंगे, सी का ये वैल्यू रखेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपको कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा, देखिए टू लिख दिए, साइन को सोल्व करेंगे, मान रखेंगे सी का डी का ऐड कर देंगे, इसका साइन रखेंगे डी माइनस सी कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार आएगा। इसे आपको सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करने पर कुछ रिजल्ट आपका इस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आपको समझना ये है, बिट्टा बाई टू हो गया और प्लस बिट्टा बाई टू हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेके आपको सोल्व करके यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर बिट्टा बाई टू आएगा, बिट्टा बाई टू और बिट्टा बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं, सिर्फ बिट्टा लिख सकते हैं क्योंकि हम वन आधा और आधा को एक लिख सकते हैं, इस तरह बिट्टा बाई टू को बिट्टा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बिट्टा यहाँ पर लिख दिए हैं। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, इजी हो गया, आपका सोल्व हो गया। इसको और सेपरेट कर देंगे, दो को बारी बारी से दोनों में डिवाइड कर देंगे और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ये आ जाएगा इतना, इसके बाद आपका ये टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन बिट्टा बाई टू यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बटा को साइड में डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से एस का वैल्यू निकल गया। और आपको क्या करना है, जो हम सीरीज माने हुए हैं फर्स्ट में, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बिट्टा बाई टू, सॉरी साइन अल्फ़ा प्लस बिट्टा, साइन अल्फ़ा प्लस टू बिट्टा, इस जो फॉर्म है, और इसके बाद इतना को लिखना है, जो वैल्यू हमारा इतना एस वाला वैल्यू आया है, इसको यहाँ पर लिख देना है और आपका ये सोल्व हो गया, ठीक है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका कन्फर्म है कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस के टर्म में सोल्व करेंगे, जो कॉस है, कॉस के टर्म में सोल्व करेंगे, ये भी सेम टू सेम यही है, हल्का सा फर्क है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।